के राज्य में स्नो व्हाइट नामक एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, होंठ खून के समान लाल थे और बाल आबनूस के समान काले थे। स्नो व्हाइट उसकी दया, अनुग्रह और कोमल स्वभाव के लिए जाना जाता था, जिसने उसे उन सभी के लिए प्यार किया जो उसे जानते। स्नो व्हाइट के जीवन ने एक कठोर मोड़ ले लिया जब उसकी प्यारी माँ रानी का निधन हो गया। उसके पिता राजा दिल टूट गया था और अपने जीवन में खुशी वापस लाने के लिए फिर से शादी करने का फैसला किया। कम ही उन्हें पता था कि जिस महिला को उन्होंने अपनी नई रानी के रूप में चुना था, वह स्नो व्हाइट की सुंदरता से दुष्ट और ईर्ष्या करती थी। रवेना नाम की नई रानी के पास काला जादू और एक दर्पण था जो सच बोल सकता था। हर दिन वह दर्पण से पूछती, दर्पण दीवार पर दर्पण, उन सभी में सबसे सुंदर कौन है? और दर्पण हमेशा जवाब देगा, आप मेरी रानी उन सभी में सब। जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता रानी से आगे निकल गई। इसने रवेना को क्रोधित कर दिया, जो किसी से भी अधिक सुंदर होने के विचार को सहन नहीं कर सकती थी। ईर्ष्या से पीड़ित उसने अपने शिकारी को स्नो व्हाइट को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले जाने और उसे मारने का आदेश दिया। शिकारी हालांकि निर्दोष राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को नहीं ला सका। इसके बजाय उसने उसे आजाद कर दिया और उससे कहा कि वह बहुत दूर भाग जाए और कभी वापस ना आए। स्नो व्हाइट भयभीत और अकेला घने जंगल से तब तक भटकता रहा जब तक कि वह एक छोटी सी झोपड़ी पर ठोकर नहीं खा गया। झोपड़ी 7 बौनों की थी जो पास की खानों में काम करते थे। वे दयालु थे और स्नो व्हाइट का उनके घर में स्वागत किया, उनके आतिथ्य के लिए आभारी। स्नो व्हाइट ने बदले में उनके लिए खाना पकाने और साफ करने की पेशकश की। रवेना ने पाया कि स्नो व्हाइट अभी भी अपने जादू के दर्पण के माध्यम से जीवित था। गुस्से में आकर उसने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने खुद को एक पुराने हक के रूप में प्रच्छन्न किया और स्नो व्हाइट को खोजने के लिए निकल पड़ा, जो एक जहरीले सेब से लैस था। एक दिन जब बौने दूर थे, प्रच्छन्न रानी झोपड़ी में पहुंची और स्नो व्हाइट को सेब की पेशकश की। रानी की असली पहचान से अनजान, स्नो व्हाइट ने काट लिया और गहरी नींद में गिर गया, जैसे कि मृत। रानी खुशी से झूम उठी, यह विश्वास करते हुए कि उसने आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पा लिया है। जब बौने लौटे और स्नो व्हाइट को बेजान पाया तो वे तबाह हो गए। उन्होंने उसके लिए एक कांच का ताबूत बनाया और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर रखा, जहां वे हर दिन उससे मिलने जा सकते थे। समय बीतता गया और स्नो व्हाइट की सुंदरता और दुखद भाग्य की खबर पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के एक राजकुमार ने स्नो व्हाइट की कहानी सुनी और उससे मिलने का फैसला किया। जैसे ही उसने उस पर नजर रखी, वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। विरोध करने में असमर्थ वह होठों हर किसी के विस्मय के लिए स्नो व्हाइट उसकी गहरी नींद से जाग गया। राजकुमार और स्नो व्हाइट को प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। बौनों आनंद और राज्य मनाया उनके यूनियन। एज रवेना के लिए उसकी दुष्टता उसके साथ पकड़ी गई। दर्पण से पता चला कि स्नो व्हाइट अब उन सभी में सबसे सुंदर था और रानी की ईर्ष्या ने उसे पूरी तरह से खा लिया। अपने गुस्से में उसने अपने काले जादू को उजागर किया, लेकिन इसने उसे एक बूढ़ी औरत में बदल दिया। स्नो व्हाइट और राजकुमार ने प्यार और करुणा के साथ राज्य पर शासन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई खुशी से रहता था। बौने वफादार दोस्त बने रहे और स्नो व्हाइट की सुंदरता न केवल बाहर से बल्कि उसके दयालु हृदय के भीतर से भी चमकती रही।